नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। किसान आंदोलन का आज एक साल पूरा हो गया और इस मौके पर किसान एक बार फिर आंदोलन को हवा देने में जुट गए। थोड़ी देर बाद ही गाजीपुर में महापंचायत शुरू होने वाली है, जिसमें किसान आंदोलन की अगली रूपरेखा तय होगी। दिल्ली के चार बॉर्डर, इन चार बॉर्डरों पर किसान जमे हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहां से किसान भी पहुंच रहे हैं। सबसे अहम मार्च हरियाणा के शंभू बॉर्डर से शुरू हुआ। दिल्ली के तीन अहम बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी पर किसानों की तादाद भी अब बढ़ गई है। कुछ तस्वीरें रख रहे हैं सामने, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि किसान अब उनका जमावड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई जगहों पर महापंचायत रैली बैठक करते हुए किसान भी नजर आए और जाहिर तौर पर अब आगे की रणनीति तैयार हो रही है कि आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है। लेकिन आपको बता दें, ट्रैक्टर रैली किसान निकालने वाले हैं और ये राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, कोई टैंक लेकर नहीं जा रहे, इसलिए हमें रोकने की कोशिश ना हो। साथ ही साथ वो कई और बातें कहते आए और उससे सीधा संकेत यही है कि आंदोलन अभी खत्म हो नहीं रहा। खास सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, सीधे पहले उनका रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर से मल्लिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर से श्वेता हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद है। कुमार कुणाल भी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से ही है और अमित भारद्वाज हमारे साथ टिकरी बॉर्डर से है। सबसे पहले मल्लिका, आपका रुख करते हुए जरा तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके का माहौल है, क्या वहां पर किसानों का जमावड़ा बढ़ रहा है? बिल्कुल अर्पिता, जैसे कि आप अभी बता रही थी कि एक साल पूरा हो गया है और पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले हफ्ते यानी कि ठीक एक हफ्ता पहले शुक्रवार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था, तब भी मैं यहाँ पर आई थी। तब यहाँ पर बॉर्डर पूरा खाली दिख रहा था, इतनी बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन आज यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल अलग है अर्पिता। यहाँ पीछे ही मंच है जो कि खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, मंच पर संबोधन चल रहे हैं और दूर दूर से किसान यहां पर पहुंचे हैं। एक तरफ जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी उस पर भी लगातार मंथन चल रहा है। कुछ किसान यहां पर आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं बातचीत कर रही थी, तो उनका यही कहना है कि हम खुश हैं कि फैसला जो लिया गया है हमारे हक में कानूनों को वापस लेने का, लेकिन लड़ाई अभी यहीं पर खत्म नहीं होगी। आगे की रणनीति के बारे में बताइए, आगे क्या रणनीति? जितनी देर MSP की गारंटी नहीं मिलती, जो शहीद हुए किसान उनको कंपनसेशन नहीं मिलती, और तीसरा वो जो है अपना यहाँ जगह बनाने की, स्मारक बनाने की जगह नहीं मिलती, उतनी देर यहाँ आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे। तो एक लंबा संघर्ष यहाँ पर हमने देखा है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, आप लोग यहाँ पर डटे रहे, लेकिन क्या आप इसे एक जीत के तौर पर देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया है? क्या अब यहाँ से एक नई शुरुआत? जी बिल्कुल, हम इसे जीत की तरह ही देखते हैं और आज ये जीत का ही जश्न जो हो रहा है, एक साल हमें पूरा हो गया। सो हम, क्योंकि हमारी ये मांगे थी कि तीन कानून रद्द करें और MSP पे जो गारंटी दे कानून बनाए, सो हमें अब ये उम्मीद भी है कि तीन कानून तो रद्द करने का जो प्रोसीजर चल रहा है संसद में पास हो जाएगा, और MSP पे भी जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि वो जल्द ही इस पर कमेटी बनाकर जो भी फैसला लेंगे। हम पूरी तरह खुश हैं, हमारे किसान भी पूरी तरह खुश हैं, और ये आंदोलन उतनी देर तक चलता रहेगा जितनी देर हमें ये पूर्ण तौर पर ये भरोसा नहीं मिल जाता कि MSP पे जो गारंटी है वो जल्द से जल्द दी जाएगी। लेकिन अर्पिता देखिए, जैसे कि ये आंदोलन सिर्फ देश भर में ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियां बटोरता रहा है और हर कोई आज यही जानना चाहता है कि आखिर आंदोलन कब तक चलेगा, और यही सवाल आज हर एक देशवासी पूछ रहा है कि आंदोलन कब आपको लग रहा है कि खत्म होगा, ये संघर्ष कब खत्म होगा? संघर्ष तो तब का ही खत्म हो गया था जब हमारी जुजारू फौजें खालसा पंथ इधर आकर बैठ गया, न्यांग सिंह जिनको हम वखरे वखरे नामों से पुकारते रहे, और आज हमने कहा था भी जीत होगी हमारी, ऐलान होना बाकी है, तो ऐलान भी हो चुका है, अब ज़्यादा देर नहीं है। तीनों काले कानून उन्होंने वापस ले लिए हैं, आज आप देख रहे हो, बात करने की जरूरत नहीं, स्पष्टीकरण देने की जरूरत ही नहीं है, लाखों की कतार में पहले जैसा माहौल बन गया है अब, ठीक है जी। तो अब बात यहाँ तक बढ़ी है कि बस रिटर्न में हमको दे दें, वो रिटर्न में जब दे देंगे तो फिर जो बाकी है, जो हमारे जो शहीद हुए उनका मुआवजे की
तो जो नजायज पर्चे हैं जो जेड़े हमारे जो कई व्हीकल भी अंदर है कई ट्रैक्टर भी है उनकी जमानत तो फिर हम बड़ी खुशी खुशी जकारे गुजते हम अपने पंजाब वापस जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते एक साल अर्पिता इस आंदोलन को हो गया है और शुरुआत में कैसा लग रहा था आपको कि एक साल का वक्त लग जाएगा और अभी भी कानून वापस होने के बाद भी आंदोलन खत्म होता है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि जो जो एमएसपी की ठीक है, मैं आपको रोक रही हूँ। श्वेता हमारे साथ हैं, उनके साथ शायद राकेश टिकैत हैं। हाँ श्वेता, बिल्कुल 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 अर्पिता, मैं बता दूं खुद राकेश टिकैत इस वक्त, राकेश जी हम लाइव हैं टेलीविजन पर, बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड। तो श्वेता देखिए कोशिश कर रही थी कि राकेश टिकैत से कैसे भी बात हो जाए, क्योंकि देखिए बड़ा आंदोलन करने की कोशिश यहां पर की जा रही है राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक तरीके से कहें। श्वेता आप कोशिश कीजिए, जैसे आप बात करती हैं तो मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। लेकिन इस बीच देखिए गाजीपुर बॉर्डर जहां पर श्वेता मौजूद है वहीं पर हमारे सहयोगी कुमार कुणाल भी मौजूद है और वो भी स्थितियों को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर तो आंदोलन में जान फूंकने की कोशिश राकेश टिकैत की तरफ से हो रहा है। अभी जब तीनों कृषि कानून खत्म हुए तो ये माना जा रहा था कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो कानून वापस हुए हैं इससे एक नई जान फूंक दी गई है और किसानों के आंदोलन में। बिल्कुल, और आज का जो दिन है 26 नवंबर का वो इस आंदोलन के लिहाज से काफी ऐतिहासिक है। एक साल तो पूरा हुआ ही है, ये एक साल के मौके पर सबसे बड़ी बात है कि कानून वापस लेने की घोषणा भी हुई है, कैबिनेट ने पास भी कर दिया है और 29 तारीख को जब संसद का सत्र शुरू होगा तो उसी दिन वापसी का जो बिल है वो भी आ जाएगा। तो अब जो किसानों की पूरी रणनीति है वो कल की मीटिंग पे यानी 27 नवंबर को होने वाली मीटिंग पर टिक गई है। अब जो हमारी बातचीत हो रही है अर्पिता तमाम अलग अलग नेताओं से, उनका ये कहना है कि कल कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि अगर कमेटी बनाने पर सरकार तैयार हो जाती है और तैयार हो गई, अगर लिखित गारंटी दी गई कि कमेटी बना दी जा रही है, बिल्कुल ऐसा होगा। हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ट्रैक्टरों का काफिला हमारे पीछे से गुजर रहा है, ये तस्वीरें जो आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ट्रैक्टरों पर खचाखच भर करके जो किसान है ये इस समय गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चुनाव भी है और चुनाव के लिहाज से ये बहुत अहम है। तो जो मैं बता रहा था कि 27 नवंबर को यानी कल जो मीटिंग होगी उसमें अगर लिखित तौर पर सरकार से यही कहा जाएगा कि आप एमएसपी पर अगर कमेटी बना देते हैं और सरकार तैयार होती है बातचीत करने के लिए, जो भी मुमकिन दिख रहा है ऐसा किसान नेता मान रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में बड़ा घटनाक्रम देखा जा सके आंदोलन को लेकर के। लेकिन अभी भी जो किसान नेता आधिकारिक तौर पर बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून पास नहीं होता है तब तक ये कानून, ये जो पूरा आंदोलन है वो चलता रहेगा। और आंदोलन किस तरीके से चल रहा है आपको हम दिखाएं कि बड़े बुजुर्ग कई सारे गाँव से जो यहाँ से चले भी गए थे वो वापस लौट करके आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? शामली से आए हैं। गाँव क्या है आज आपके? एक साल पूरा हुआ? हाँ जी, एक साल पूरा ना हो गया। अपनी जो है एमएसपी का लिए आया। एमएसपी के लिए आया? हाँ जी। कहाँ से आ रहे? मध्य प्रदेश राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। मध्य प्रदेश से आए हैं, बड़ी लंबी दूरी तय करके गाजीपुर तक पहुंचे। जी एमएसपी तो पूरे देश का इशू है, वो तो होना चाहिए क्योंकि पीएम साहब ने तो बोला था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। आप सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां पर भी किसान आने शुरू हो गए हैं अलग अलग जगहों से, जरा पूछिए कहाँ कहाँ से पहुंच रहे हैं किसान और कितनी होगी संख्या? जी अब एक सवाल स्टूडियो से आया कि कहाँ कहाँ से किसान यहाँ पर पहुँचे हैं और कितने किसानों का आपको लग रहा है कि यहाँ पर अभी पहुँचने का सिलसिला जारी है, संख्या क्या रहेगी? ये लाखों में आज अभी आएंगे, लाखों में अभी और किसान यहाँ अभी और आएंगे। और अभी तो इसी के साथ साथ मैं कल के अमरसर से ही कम से कम 550 ट्राली आ गया, और तो हम बात नहीं करते क्योंकि सारे पंजाब से आ रहा है, लाखों किसान आएंगे कल।
लाखों किसान यहाँ पर अर्पित आएंगे और इसके साथ साथ तस्वीरें भी मैं अजय से कहूंगी कि दिखाते चले आपको साथ में। यहाँ पर ही बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ मंच है, खचा खच ये मंच भरा हुआ है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ पंजाबी सिंगर्स भी यहाँ पर पहुंचेंगे परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जश्न का माहौल है। और जो तस्वीर एक साल पहले यहाँ पर देखने को मिली थी वही तस्वीर आज देखने को मिल रही है। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ पर बॉर्डर्स पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे एक साल में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया है। जत्थों के आने जाने का सिलसिला रोज के तौर पर यहाँ पर चलता था। अजय से मैं कहूंगी कि आगे आपको मंच की भी तस्वीरें दिखाएं। मंच से लगातार यहाँ पर जो किसान नेता है, करीब 32 किसान संगठन है यहाँ पर पंजाब से जो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर एक एक कर संबोधन भी यहाँ पर हो रहा है। और आप देखिए जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी वहां तक आपको लोग यहां पर नजर आएंगे। बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहां पर किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो लगातार बना हुआ है वो ये कि अब आगे आंदोलन का भविष्य क्या होगा। तो जो मांगे हैं वो इन्होंने स्पष्ट तौर पर रख दी हैं कि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही एमएसपी पर फैसला आना अभी बाकी है। उसके अलावा यही सिंघू बॉर्डर पर जो जमीन की मांग की जा रही है, एक मेमोरियल बनाना चाह रहे हैं किसान यहां पर, जो आंदोलित किसान जिन्होंने अपनी जान गवाई है उनकी याद में यहाँ पर वो चाहते हैं कि एक मेमोरियल बनाया जाए। उसके साथ ही पिछले एक साल में आंदोलित किसान जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाए, ये भी एक मुख्य मांग है। तो अभी जो मांगे हैं वो बरकरार हैं और जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा। और जिस तरह से आज तक पर आज सुबह राकेश टिकैत भी बोले आकर कि ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और अभी और तेज होने वाला है जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। और अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें, जब से ये आंदोलन पिछले साल 26 नवंबर से शुरू हुआ है, एक वक्त ऐसा भी आया था जब लग रहा था कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। 28 जनवरी की वो रात अर्पिता आपको भी याद होगी, सबको याद होगी, जब तमाम बॉर्डर्स को चारों तरफ से फोर्सेज ने घेर लिया था और ऐसा लग रहा था कि उसी रात वो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत के आंसुओं ने एक बार फिर से इस आंदोलन को जिंदा कर दिया था और देखते ही देखते अगली सुबह किसानों का जत्था और बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर्स पर एक बार फिर से लौट आए थे। और आज वही रौनक यहां पर देखने को मिल रही है। यहां पर तमाम तरह की तैयारियां आज के जश्न को मनाने के लिए की गई हैं। ब्लड बैंक्स यहां पर लगाए गए हैं, साथ ही यहां पर स्लोगन्स के टी शर्ट्स और फ्लैग्स और पोस्टर्स मिल रहे हैं। नो किसान नो फूड, आई लव खेती, आई लव फार्मर्स, इस तरह के स्लोगन्स यहाँ पर लोग टी शर्ट्स पहने हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से पूरा आप कह सकती है कि एक फेस्टिव माहौल है, क्योंकि लोग बहुत खुश हैं और इसे एक तरह से ऐतिहासिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई अगर कहें कि अब खत्म हो चुकी है तो वो कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब जो कल बैठक होने वाली है वो बहुत अहम है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं और आगे की इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी वो तैयार। ठीक है, ठीक है मल्लिका, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। जरा टिकरी बॉर्डर का भी हाल जान लेते हैं। अमित भारद्वाज वहां से मौजूद हैं। अमित, वहां पर आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं? क्या वहां पर भी इतनी ही तादाद दिख रही जितना सिंघू बॉर्डर पर मल्लिका दिखा रही थी? जी बिल्कुल, अगर मैं थोड़ा इस तरफ हम लोग कैमरा करेंगे, ये वो पूरा इलाका है जहां पे संयुक्त किसान मोर्चा का टीकरी मोर्चे वाला स्टेज लगा हुआ और इसके पीछे पूरा इलाका इस वक्त किसानों से बिल्कुल भरा हुआ है। और जो सबसे अहम बात है टीकरी बॉर्डर के लिए वो ये है कि ये एक मंच है संयुक्त किसान मोर्चा का। यहां से कुछ किलोमीटर आगे जोगिंदर सिंह उग्राहा, जो पंजाब के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक माने जाते हैं, उनका मंच है। यानी कि ये पूरा इलाका हजारों किसानों से इस वक्त भरा हुआ है और जोगिंदर सिंह उग्राहा का जो मंच है वहां पे इसी तादाद में, बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। वो पंजाब के अलग अलग इलाकों से आए हैं, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से आए हैं, राजस्थान से लगातार लोगों का यहाँ पे आना जो क्रम है वो जारी है। और सुबह से हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर्स में, ट्रॉलीज में लोग भर भर के यहाँ पे आ रहे हैं, झंडे बैनर सब कुछ लेते हुए। ये देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के ये वर्कर्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो सबसे अहम बात ये है टीकरी बॉर्डर पे कि जबकि यहाँ पे दो मंच लगाए गए हैं किसानों द्वारा, दोनों मंचों के बीच की दूरी किसानों से भरी हुई है और दूर जहाँ जोगिंदर सिंह उग्राहा का मंच है वहां पे भी हजारों की संख्या में किसान इकट्ठे हैं। एक बात अंडरलाइन करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे कि
किसान नेता लगातार ये कह रहे हैं कि ये तीन चौथाई जीत है, यानी कि जो तीन कृषि कानूनों को वापसी की मांग लेके वो आए थे वो हासिल हो गया है। लेकिन एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, जो कई दशकों से डिमांड था किसान संगठनों का कि एमएसपी पे एक लेजिस्लेशन हो, उसको लेके अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है। और कहीं ना कहीं पंजाब के जो किसान संगठन है वो ये मान रहे हैं कि अगर सरकार की तरफ से, ये दबी जुबान से बात कही जा रही है, कि अगर सरकार की तरफ से इस वक्त इस बात पे भी अग्रीमेंट हो जाती है कि एक कमिटी बनेगी जो एमएसपी पे विचार करेगी और ये डेडलाइन के तहत हो। ठीक है। सत्येंद्र भी हमारे साथ हैं, अंबाला में मौजूद है। सत्येंद्र, आप जहां मौजूद हैं वहां पर जरा तस्वीरें अगर दिखाएं, क्या आगे बढ़ने का सिलसिला भी किसानों का शुरू हो रहा है? कितने ट्रैक्टर, कितने किसानों का जमावड़ा आप देख रहे हैं वहां पर, उस बॉर्डर पर? सत्येंद्र, आवाज आप तक पहुंच रही है? शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन देखिए अलग अलग जगहों पर, बॉर्डर्स पर, जहां पर किसानों को जुटना है वहां पर हमारे सहयोगी ग्राउंड से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और खासतौर पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके के बड़े आंदोलन की तैयारी किसानों की है। मल्लिका, कुछ अगर और तस्वीरें आप दिखा पाए तो दिखाइए जरा। जी बिल्कुल अर्पिता, तस्वीरें मंच की तो आपको अजय ने अभी दिखाई है। यहाँ आगे आपको अगर और तस्वीरें मैं दिखाऊं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पिछले हफ्ते ये जो बॉर्डर था अर्पिता, पूरा खाली नजर आ रहा था। कुछ मुट्ठी भर किसान यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक ऐलान के बाद यहाँ पर किसानों के आने का सिलसिला बहुत तेज हो गया। और आज जो ये आयोजन पूरा किया गया है, एक साल पूरा होने का जो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां भी कई दिनों से चल रही है। और आप देखिए ये एक ब्लड बैंक है यहाँ पर, जहाँ पर लोग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। लंगर सेवा पीछे चल रही है यहाँ पर, बहुत बड़ी संख्या में आज लंगर भी तैयार किया गया है। और कुछ किसानों से जब मैं बात कर रही थी, लंगर तैयार वो कर रहे थे, तो उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पर आएगा तो वो लंगर यहाँ से जरूर खाकर जाए। यानी कि सिर्फ आंदोलित किसानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए ये लंगर यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में अभी भी लोग वहाँ पर पीछे लंगर कर रहे हैं। मैं कोशिश क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। ये ब्लड बैंक की तस्वीरें, यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया गया है, यहाँ पर लोगों को पानी दिया जा रहा है, पीछे मिठाइयां बांटी जा रही थी, गुड़ की मिठाइयां यहाँ पर पट्टी देसी घी की बनाकर बांटी जा रही है। खुशी भी मनाई जा रही है क्योंकि एक तरह से वो इसे आधी जीत के तौर पर देख रहे हैं कि जीत तो हुई है लेकिन संघर्ष और लड़ाई अभी बाकी है, पूरी तरह से लड़ाई जीती नहीं है। और सबसे बड़ी बात है अर्पिता, जब कोई खुशी का मौका होता है, जब जश्न मनाते हैं तो अकेले नहीं मनाते हैं, हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। इसलिए भी एक वजह यह भी है कि आज यहाँ पर संख्या आप इतनी ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि परिवार यहाँ पर पहुंचे हैं, जो किसानों के परिवार है वो भी आए हैं, गाड़ियों से, जीप से, ट्रैक्टर से, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में। पिछले 2-3 दिनों से ही किसानों के आने का सिलसिला जारी था और आज मुख्य तौर पर इसलिए भी क्योंकि एक साल पूरा हुआ है और उसका जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। एक बार फिर से मंच की तस्वीरें मैं अजय से कहूंगी कि आपको एक बार दिखाएं, मंच की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और उस मंच पर सामने इस वक्त कोई किसान नेता है जो संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर आगे जो समर्थक हैं किसान आंदोलन के, कुछ पंजाबी सिंगर्स हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस होने वाली है। अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि कौन कौन आएगा, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम का भी आयोजन है कि लोगों का यहाँ पर मनोरंजन भी होगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर खुशी का माहौल तो है ही, लेकिन लोग जो किसान शहीद हुए हैं उन्हें भी याद कर रहे हैं और लगातार यही उनकी मांग है कि उनकी जो शहादत है वो जाय नहीं जानी चाहिए, ये जो लड़ाई है इसी तरह से जारी रहेगी जब तक जो बाकी की मांगे हैं उन्हें सरकार पूरी तरह से मान नहीं लेती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैसे का सत्येंद्र, अगर अब आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा तस्वीरें दिखाइए और वहां पर क्या तैयारियां दिख रही हैं किसानों के लिहाज से, क्या लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं, ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं आपको, क्या तस्वीर? देखिए, दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक शंभू बॉर्डर है जहां पर मैं मौजूद हूं और एक सिंधु बॉर्डर है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि शंभू बॉर्डर कहां है और सिंधु बॉर्डर कहां है। सिंधु बॉर्डर वो है जहां पर आंदोलन चल रहा है और शंभू बॉर्डर ये है जहां से ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। यहां पर अभी भी किसान बैठे हुए हैं और अब जो ये किसान आंदोलन की से दूसरी लहर कहूं, कोरोना की तरह की दूसरी लहर है। हालांकि किसान आंदोलन में 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग थी,
लेकिन वो मांग पूरी हो चुकी है। लेकिन किसान आंदोलन अब भी आगे बढ़ रहा है और शंभू बॉर्डर वो जगह है जहां से पहला जत्था किसानों का रवाना हुआ था 26 नवंबर को, और यहां पर किसानों और पुलिस में हरियाणा और पंजाब पुलिस और किसान काफी संघर्ष हुआ था। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये हरियाणा में है और वो जो ठीक है दिखाई दे रहा है उसके पीछे पंजाब ठीक है। यानी देखिए कुल मिलाकर जो हमने तस्वीरें दिखाई अलग अलग जगहों की बॉर्डर्स की, वहां पर एक बात तो साफ है कि किसानों को अब और हौसला उनका बढ़ा है। वो अपनी जो भी मांगे हैं वो भी सरकार के सामने रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब तक वो मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं।